हरे कृष्णा राधे राधे, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे जो गिवे के फर्स्ट विनर थे उनके पास हमारे प्यारे से छोटे से कान्हा पहुँच चुके हैं और वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने खुशी की वजह से अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाई है, वो भूल गई थी, इतनी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दी कान्हा आ गए हैं, कहने को शब्द नहीं है, देखकर पूरी फैमिली इमोशनल हो गई है, थैंक यू, खुशी में वीडियो नहीं बना पाई। और उसके बाद उन्होंने फिर जब उन्हें कान्हा जी को निकाल लिया था बॉक्स से, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई थी और मुझे भेजी है। तो चलिए दिखाती हूँ वो क्या बोल रही हैं। आस्था दीदी, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लड्डू गोपाल हैं, ये मेरे को इतने क्यूट लग रहे हैं ना, इनकी स्माइल ही है ना, ये इतनी क्यूट है, इनकी आँखें बहुत प्यारी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने प्यारे लड्डू जी आएंगे, ये बड़े अच्छे हैं और बहुत बड़े भी हैं। तो ये बहुत प्यारे हैं आस्था दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी इनकी ना पैकिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करी हुई थी कि ताकि इनको लगे भी नहीं, चोट भी ना लगे। और ख़ास करके सबसे अच्छी मुझे इनकी पैंटी लगी, कितनी प्यारी है ना, कितनी क्यूट है। और दीदी देखो इसकी चोटी कितनी लंबी है, ये देखो, ये मुझे बहुत प्यारी लगी है, बहुत 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 प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए हैं और लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश लग रहे हैं इधर आके, थैंक यू सो मच। ये मेरी बेटी है, ये भी ना इस लड्डू गोपाल को देख के बहुत खुश हो रही है और ये भी आपको थैंक यू बोलना चाहती है। थैंक यू आस्था आंटी। तो देखा आपने कितने खुश हैं और कितने खुश हैं, और खुशी की वजह से वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाई थी। और उनके चैनल का नाम है लाइफ एक्सपीरियंस विद मी, उनका चैनल भी है, लेकिन वो शायद लड्डू गोपाल जी की वीडियो नहीं डालती हैं, मुझे नहीं मालूम है और मैंने ज़्यादा उनका चैनल चेक नहीं किया है। और जो हमारे सेकेंड और थर्ड विनर थे, तो जो थर्ड विनर थे उनके पास पहुंच चुके हैं हमारे ये वाले कान्हा जी, जो कदम के पेड़ के नीचे गौ माता के साथ विराजित हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी कैंसिल कर दीजिए, कल बोला था क्योंकि उनके पास डिलीवरी बॉय का कॉल आ रही थी कि आप रिसीव कर लीजिए आपका अपना पार्सल, लेकिन उनके घर में कोई था नहीं, तो किसी कारणवश वो वहाँ नहीं जा पा रही थी और डिलीवरी बॉय शायद घर नहीं आ रहा था, जो भी रीज़न हो, उन्होंने कहाँ के एड्रेस दिया था मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो रो रही थी। मुझे कमेंट किया कि दीदी आप कैंसिल कर दीजिए, मैं नहीं ले पाऊँगी, सॉरी, आप अपने पैसे ले लीजिए। लेकिन मुझे मालूम था अगर मैं कैंसिल नहीं करूँगी तो एक दो दिन में उनके पास फिर से पहुँच जाएगा उनका पार्सल, उनका गिफ्ट। तो फाइनली उनके पास कल पहुँच गए हैं हमारे कान्हा जी। उन्होंने मुझे यहाँ पर कमेंट करके बोला भी है, दीदी थैंक यू सो मच, मेरे पास पहुँच गए हैं और मैं वीडियो बना कर डालूँगी, लेकिन वो वीडियो नहीं डाल पाएंगे, शायद बिजी हो गई होंगी। तो उनका कमेंट यहाँ पर मैं ऐड के दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और हमारे जो सेकेंड विनर हैं उनके पास भी पहुँचने वाले हैं, पर अभी टाइम है, अभी शायद 22 तक डिलीवरी दिखा रही है, मैंने चेक किया है, तो अभी उनके पास नहीं पहुँचे हैं। तो उनके भी यही गिफ्ट हैं, कदम के नीचे कान्हा जी और गौ माता, यही वाला गिफ्ट उनका भी है, बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हम अच्छे अच्छे गिवे करते रहें, आगे चल के और भी बड़ा गिवे करें, बस यही मैं कामना करती हूँ कि बस हम सबका साथ निभाते रहें, आप भी हमारा साथ निभाते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, क्योंकि अब आजकल आप लोग वीडियोज़ कम देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, जय माता दी।